प्रजापति पावर टूल्स HDFC बैंक के पास नीम का थाना हर प्रकार की मशीनों का संतोषजनक कार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नमस्कार दर्शकों, हम आपको एक रहस्यमय घटना बताने जा रहे हैं। राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र में वार्ड नंबर 1 में यह खाली प्लाट में इस पेड़ में अचानक कई दिनों से आग लगी हुई थी। गौरतलब है कि जो अभी कुछ रोज पूर्व बारिश आई थी उससे शॉर्ट सर्किट हो गया था, जो पेड़ में तार के पास था, बिजली के तार के पास उसमें आग लग गई थी, जिसके बाद दो दिन तक बारिश होती रही लेकिन फिर भी यह आग नहीं बुझी और पेड़ का जो मोटा तना है ऊपर जो उसमें आग लग गई थी, आसपास की डालियाँ हरी है और पूरा पेड़ हरा था, ये हरा भरा, लेकिन इसमें रहस्यमय तरीके से आग लगी हुई है और आप देख सकते हो रात का ये दृश्य है और इसमें आग दिख रही है पेड़ के डाले में भयंकर रूप से। ये दूर है करीबन 20 फुट और अब इसकी आप देख सकते हो आग के पतंगे भी निकल रहे हैं और पेड़ के एक डाले में सिर्फ आग है, छोटी छोटी डालियाँ भी नहीं जड़ी और पूरे दो दिन बारिश के बावजूद भी यह आग नहीं बुझ पाई थी। और दिन का दृश्य भी आप दूसरे दिन का देख सकते हो, छठवें रोज का दृश्य है ये कि यह देखो धुआं निकल रहा है पेड़ के तने से और पूरा पेड़ हरा है, बाकी आग अंदर ही अंदर लग रही है, गैस का कारण है या रहस्य कुछ और है। फिर हमने कोशिश की कि यहाँ इसकी आग बुझाई जाए, फायर ब्रिगेड से संपर्क किया लेकिन वो हो नहीं सका। अब ये देख सकते हो धुआं उठ रही है इस पेड़ में और काफ़ी पेड़ दुखी है। ये पेड़ हमारे प्राणदाता हैं, हमको प्राणवायु देते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं, संसार के समस्त सुख फीके हैं प्राण और श्वास के आगे, और यही श्वास प्राण इन पेड़ों के पत्तों से, इन पेड़ों से मिलता है। हमारा भी अधिकार कर्तव्य बनता है एक मानवता के नाते कि इन पेड़ों की हम सहायता करें, पेड़ कष्ट में हो, दुखी हो तो उनकी हम देख रेख करें, उनकी सहायता करें। इसी प्रकार हमने बीड़ा उठाया और छठवें सातवें रोज जब ये आग नहीं बुझी तो यहाँ पे एक होली की जो पिचकारी लाई गई, होली की पानी पिचकारी से और बाल्टी में भर भर के मैंने पत्रकार दीपक शर्मा ने इस आग को बुझाया और इसके पास तार भी थे, जो डाले के पास तार थे, डाला छोटा होता होता करीबन 7 फुट अंदर चला गया था जल जल के, फिर पिचकारी से आग बुझाई, करीबन 3 बाल्टी से आग बुझाई, काफ़ी प्रयास करने थोड़ा थोड़ा पानी डाला पिचकारी से, तारों के संपर्क में नहीं है, फिर आग बुझी और काफ़ी सुकून मिला और अनेक घंटों के बाद यह आग बुझ पाई। पानी की पिचकारी से पानी डाला गया लगातार और इसी तरह आप सभी से प्रार्थना है, पूरे विश्व के लोगों से, कि पेड़ों की रक्षा करें, पेड़ हमारे प्राणदाता हैं, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं और हमारा जीवन बचाएं, यही सब कुछ है। होली में जो काम आती है पिचकारी उससे पानी डाला गया और बिजली के तारों का भी ध्यान रखा गया, डाला बिजली के तारों से छोटा होता होता 5-7 फीट छोटा हो गया था, जिसे पिचकारी की सहायता से पानी डालकर बुझाया गया। इस तरह का कार्य करने से बहुत सुकून मिलता है। आप देख रहे थे पत्रकार दीपक शर्मा के साथ यह मुख्य रिपोर्ट। इसी तरह आप भी करते रहें। धन्यवाद।